हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं साथियों आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि जून 2021 का जो ये महीना आने वाला है, इसमें जो शुभ मुहूर्त हैं, चाहे वो सर्वार्थ सिद्ध योग है, चाहे वो अमृत सिद्ध योग है, चाहे रवि पुष्य योग है, या फिर विवाह के शुभ मुहूर्त हैं, या नव ग्रह में प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त हैं, इन सब की चर्चा आपके साथ करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी तारीख को कितने समय से कितने समय तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ये मैं सारी चर्चा विस्तार से करूंगा। आप पूरा वीडियो देखिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए कि जून में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त का दिन और समय क्या है, किस कार्य के लिए, ये आप इसका लाभ लीजिए। तो साथियों, आज हम आपको, जैसा मैंने कहा कि माह जून 2021 में पड़ने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं उनके विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस किस तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योगों का निर्माण हो रहा है इस जून के महीने में, तथा किन किन तारीखों को अमृत सिद्ध तथा रवि पुष्य योगों का निर्माण हो रहा है। साथ ही ये जानकारी भी आपको देंगे कि आपने किस तारीख को अपने नए घर में प्रवेश करना है। अगर आपने कोई नया फ्लैट लिया है या नया कोई घर तैयार किया है बनवा करके, कोई कोठी बनवाई है, घर बनवाया है उसमें, और अंत में आपको विवाह की शुभ तारीखों के विषय में भी बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं अपनी चर्चा शुभ मुहूर्तों को लेकर। सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में आपको बताएंगे। देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग जो है, महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों जैसे कोई भी व्यापारिक या राजकीय अनुबंध, राजकीय अनुबंध का मतलब कोई भी आप एग्रीमेंट करते हैं, कहीं भी किसी टाई अप आपका होता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो पे साइन करना, परीक्षा आदि में बैठना, नौकरी कोई ज्वाइन करनी है, या चुनाव आदि के लिए कहीं आपने आवेदन करना है इसके लिए, या कोई खरीद फरोख्त करनी है, कोई सामान, कोई कुछ बहुमूल्य आइटम आपने खरीदने हैं, बेचने हैं, कोई बहुमूल्य, कोई आपने वाहन बेचना है, कोई और चीज़ बेचनी है, कोई बहुमूल्य आपने वैल्यूएबल, यात्रा करनी है, या कोई मुकदमा दायर करना है, कोई प्लॉट खरीदना है, जमीन जायदाद खरीदनी है, सवारी खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है, आपने वस्त्र खरीदने हैं, कोई ज्वेलरी आदि खरीदनी है, इनके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग अति उत्तम शुभ मुहूर्त माना गया है। अगर इस योग में उपरोक्त कार्य आप करते हैं तो वह पूरी तरह से संपन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि माह जून में किस किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है, इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। देखिए, दिनांक 4 जून रात्रि 8:47 से 5 जून सूर्योदय होने तक, फिर 6 जून को सूर्योदय होने से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्ध योग और 7 जून को दोपहर 2:27 तक रहेगा। 8 जून को प्रातः 5:36 से सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होगा और 10 जून को सूर्योदय होने तक रहेगा। 13 जून को शाम 7:01 से आरंभ होगा और 14 जून की रात्रि 8:37 तक बना रहेगा। 15 जून को सूर्य उदय होने से सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होगा और 15 जून रात्रि 9:42 तक ये बना रहेगा। फिर 23 जून को सूर्य उदय होने से ये आरंभ होगा और 23 जून प्रातः 11:48 तक ये बना रहेगा। और माह के अंत में 27 जून को दोपहर 2:36 से सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होगा और 27 जून को ही ये सूर्योदय होने तक बना रहेगा। यानी कि मैंने जैसा कि कहा कि 27 जून को दोपहर 2:36 से ये आरंभ होगा और प्रातः 28 की सुबह जो सूर्योदय होंगे तब तक ये बना रहेगा। तो ये थी जून के महीने में सर्वार्थ सिद्ध योगों की तारीखें एवं उनका समय।
अब आगे बात करेंगे आपसे अमृत सिद्ध योग के विषय में। तो साथियों, अमृत सिद्ध योग जो है इसमें ये देखा जाता है विदेश यात्रा के लिए, और किसी कार्य की सिद्धि के लिए जब कोई अनुष्ठान कराया जाता है, कोई बड़ा कार्य सिद्ध कराते हैं तो उसके लिए बड़ा अनुष्ठान कराया जाता है, तो उसके लिए भी अमृत सिद्ध योग देखा जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह के लिए भी अमृत सिद्ध योग देखा जाता है, और यह योग जो होता है अमृत सिद्ध योग, इन कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और यह कब पड़ेगा जून में? यह पड़ेगा 4 जून को रात्रि 8:47 से 5 जून सुबह सूर्य उदय होने तक अमृत सिद्ध योग रहेगा। उसके बाद यह 23 जून को सुबह सूर्य उदय होने से आरंभ होगा और 23 जून को प्रातः 11:48 तक ये रहने वाला है। यानी कि जून के महीने में सिर्फ 2 दिन अमृत सिद्ध योग रहेगा, एक 4 जून को और एक 23 जून को। अब आगे हम बात करेंगे कि इस महा रवि पुष्य योग कब पड़ेगा तथा इस योग में वो कौन कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो इस योग में आपको बता दें, इस हमने आज रवि पुष्य योग की हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने इस प्रोग्राम में इसको शामिल किया है कि क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी भयंकर आपदा और महामारी जो फैली हुई है, कितने लोगों की जान ले चुकी है और अब आगे पता नहीं अभी क्या और देखना बाकी है, तो उस केस में रवि पुष्य योग देखा जाता है। साथियों, रवि पुष्य योग जो है वो जड़ी बूटियों या जो औषधि हम तैयार करते हैं, जड़ी बूटियों से जो दवाइयां तैयार करते हैं तथा किसी विशेष रोग में, जैसा कि कोरोना का चल रहा है तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर में ही क्वारंटीन है, घर में रह करके अपना इलाज कर रहे हैं और आयुर्वेद के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, जड़ी बूटियों से कर रहे हैं और उसमें वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल ही जाकर के इलाज होगा। तो उसके लिए मैंने रवि पुष्य योग को जोड़ा है इसमें। तो जड़ी बूटियों से जो औषधि आप तैयार करते हैं उसके लिए रवि पुष्य योग देखा जाता है, और इसके अतिरिक्त फिर मरीज को, रोगी को, जिस रोग के लिए वो दवा आपने बनाई है, तैयार करके देनी है, उस समय का रोगी को औषधि देने से रोग ताकि समाप्त हो जाए जड़ से, उसके लिए रवि पुष्य योग बहुत शुभ माना जाता है। यानी कि अगर आप रवि पुष्य योग में रोगी को औषधि देंगे, दवा देंगे, या रवि पुष्य योग में दवा बनाना आरंभ करेंगे और रवि पुष्य योग में ही रोगी को दवा देंगे, तो ऐसे शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्य जैसे शुभ मुहूर्त में ऐसा कार्य करने से रोगी का रोग पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इसलिए हमने आज रवि पुष्य योग का इसमें जिक्र किया है, और यह मात्र एक ही दिन पड़ेगा पूरे जून में साथियों, 13 जून को शाम 7:01 से ये आरंभ होगा 13 जून को, और 14 जून की सूर्य उदय होने तक ये रहेगा। यानी कि आपने कोई जड़ी बूटी अगर तैयार करनी है तो इसी समय अवधि में तैयार करके और इसी समय अवधि में आप रोगी को दें, यानी कि 13 जून की शाम 7:01 से लेके और 14 जून की सुबह सूर्य उदय होने के तक। अब आपको बताएंगे हम अंत में कि नवीन ग्रह आपने तैयार कराया है, आपको अगर कराया है तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन अब उसमें वो शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं कि जून में आपने करना है प्रवेश नए घर में, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, आइए उसकी चर्चा आपसे करते हैं। आप इस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। नए घर में प्रवेश हेतु इस माह जून में पड़ने वाली शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। लेकिन इन तारीखों में से किस तारीख में आप नए घर में प्रवेश करते हैं, तो पंडित जी के द्वारा नवग्रह पूजा शांति कराएं, स्वस्ति वाचन कराएं एवं पंचदेव एवं गोप पूजन, वास्तु पूजा शांति आदि के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन तथा आश्रितों को भी भोजन, जो आश्रित हैं, और दान आदि एवं कन्या पूजन, जलपूर्ण कलश
यानी कलश में जल नारियल सहित नारियल रखा हो उसके ऊपर, तथा ब्राह्मणों को आगे करके शंख ध्वनि के साथ एवं सुहागिनों को आगे करके मंगल गान करते हुए नए घर में प्रवेश करें। यह है विधि नवग्रह प्रवेश की। अब उनकी वो शुभ तारीख है कौन कौन सी है, आइए उसकी चर्चा हो जा कर लें। 2 जून अष्टमी तिथि शतमिषा नक्षत्र और लगन होगा वृषभ मिथुन तथा सिंह। फिर 4 जून को दशमी तिथि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है और लगन रहेगा मिथुन सिंह तथा अभिजीत। 5 जून एकादशी रेवती नक्षत्र, लगन रहेगा मिथुन सिंह और अभिजीत। फिर 21 जून को शुभ मुहूर्त है, एकादशी होगी, तिथि जो है स्वाति नक्षत्र होगा, लगन सिंह कन्या और अभिजीत। 26 जून को फिर पड़ेगा शुभ मुहूर्त, द्वितीय तिथि होगी दौज, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और लगन सिंह कन्या और अभिजीत। अब साथियों आप कहेंगे ये लगन क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि ये जो हमने आपको तारीखें बताई हैं और तिथियां बताई और नक्षत्र बताए हैं, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इन तारीखों में इन तिथि में इस नक्षत्र में शुभ मुहूर्त है, और वो जब आपने ग्रह प्रवेश की पूजा करा करके ग्रह प्रवेश करना है कौन से लगन में करना है, ये वो लगन है। अब जैसे हमने 2 जून कहा आरंभ में अष्टमी तिथि कि भाई 2 जून को आरंभ होगा शुभ मुहूर्त ग्रह प्रवेश का, अष्टमी तिथि होगी, शतमिषा नक्षत्र होगा और लगन रहेगा वृषभ मिथुन और सिंह। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि या तो आप वृषभ लगन में पूजा करा करके प्रवेश करें, या फिर मिथुन लगन में करें, या फिर सिंह लगन में, जब सिंह लगन पड़ रहा हो। ये पंडित जी से आप पूछ सकते हैं कि वो वृषभ लगन कब होगा या मिथुन कब होगा या सिंह कब होगा, जिस लगन की भी हमने जिस तारीख में जिस तिथि में बताया है वो आप पंडित जी से कंफर्म कर लेंगे। वो आपको समय बता देंगे कि इतने समय से इतने समय तक ये लगन है, इतने समय से इतने समय तक ये लगन है इस तारीख में इस तिथि में, तो वो आपकी सहूलियत के लिए पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। अब अंत में हम आपको विवाह की शुभ तारीखों के विषय में भी बताएंगे। अब होगी चर्चा शुभ विवाह के मुहूर्तों की, शुभ मुहूर्तों की। तो इस महा विवाह के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैं तारीख भी बताऊंगा, नक्षत्र भी बताऊंगा, उस दिन राशि क्या है वो भी बताऊंगा, चंद्र राशि, और भारतीय समय के अनुसार वो कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिसमें आप शादी विवाह संपन्न कराएं। 4 जून से आरंभ हो रहे हैं, इस जून के महीने में 4 जून को होगा पहला शुभ मुहूर्त, नक्षत्र होगा उत्तराभाद्रपद, चंद्र राशि मीन होगी और समय रहेगा रात्रि 8:47 तक। ये समय जो हमने बताया ये विवाह का शुभ मुहूर्त का समय है जो कि रात्रि 8:47 तक रहेगा। इसके बाद 5 जून रेवती नक्षत्र रहेगा, मीन राशि होगी और ये जो मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:28 तक रहेगा, इसमें आप विवाह संपन्न कर सकते हैं इतने बजे तक। फिर 5 जून को अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में रात्रि 11:28 के बाद आरंभ होगा विवाह का शुभ मुहूर्त। 6 जून को अश्विनी नक्षत्र मेष राशि और ये रहेगा रात्रि के 2:27 तक शुभ मुहूर्त 6 तारीख को। 18 जून को हस्त नक्षत्र होगा, कन्या राशि होगी और शुभ मुहूर्त आरंभ होगा रात्रि 9:37 के बाद। 19 जून हस्त नक्षत्र होगा, कन्या राशि होगी और ये शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 8:28 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त 19 जून को चित्रा नक्षत्र में, कन्या राशि में और रात्रि 8:28 के बाद। 20 जून का जो शुभ मुहूर्त है विवाह का वो उसमें चित्रा नक्षत्र है, तुला राशि है और ये शाम 6
6:49 तक ही विवाह का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 20 जून को। लेकिन 20 जून को दूसरा मुहूर्त भी है जो कि स्वाति नक्षत्र रहेगा, उसमें तुला राशि रहेगी और ये आरंभ होगा 6:49 के बाद। 21 जून को स्वाति नक्षत्र रहेगा, तुला राशि रहेगी और ये 4:45 तक ही रहेगा, 4:45 तक। 24 जून को मूल नक्षत्र है, धनु राशि है और ये प्रातः 9:11 के बाद आरंभ हो जाएगा विवाह का मुहूर्त 24 जून को। 26 जून को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा और धनु राशि, उसके बाद मकर आरंभ हो जाएगी उसी दिन और ये मुहूर्त जो है रात्रि के 2:36 तक बना रहेगा 26 जून को। 27 जून धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि और ये रहेगा रात्रि के 1:22 के बाद आरंभ होने वाला है शुभ मुहूर्त, यानी कि 27 जून को धनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि भी रहेगी और रात्रि के 1:22 के बाद आरंभ होगा विवाह का मुहूर्त। 28 जून को धनिष्ठा नक्षत्र ही रहेगा, मकर और कुंभ दोनों राशि रहेंगी, पहले मकर उसके बाद कुंभ राशि आरंभ हो जाएगी और मुहूर्त कब तक रहेगा, रात्रि के 12:49 तक सिर्फ। 30 जून को अंत में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा मीन राशि और ये कब रहेगा, मुहूर्त कब से आरंभ होगा, रात्रि के 2:03 के बाद मुहूर्त आरंभ होगा 30 जून को। तो ये थी शुभ मुहूर्तों की तारीखें और जो मैंने समय बताया कि कब से आरंभ हो रहा है या कब तक रहेगा, ये शुभ विवाह का मुहूर्त है, यानी कि आप जो हमने समय बताया कि इतने समय तक रहेगा, या तो आप उतने समय तक विवाह संपन्न कराएं उस तारीख को, या फिर हमने कहा कि उस उतने बजे से रात्रि इतने बजे से आरंभ होगा, इतने बजे के बाद, तो आप उसके बाद ये शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, उसमें आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो ये था शुभ मुहूर्त को लेकर के आज का वार्ता आप सभी के साथ, आप इसका पूरा लाभ लें। तो ये चर्चा आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।